नमस्कार दोस्तों, अगर आप मैट्रिक इस बार पास किए हैं और एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, सरकारी जॉब या नौकरी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। देखिए, मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद अधिकांश बच्चे इंटर करने की तैयारी में लग जाते हैं और अपना नामांकन 11वीं में करवा लेते हैं, लेकिन 10वीं के बाद बहुत ऐसे कोर्स हैं जिससे अच्छा करियर बन सकता है। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। इसके लिए 10वीं के बाद आपके पास कुल 4 रास्ता होते हैं नौकरी पाने का। तो पहला ऑप्शन है आपका, मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में नामांकन करा सकते हैं। इसमें 3 संकाय होती है, ठीक ना, इसमें 3 संकाय होती है। एक होता है साइंस, एक होता है, दूसरा होता है आर्ट, और तीसरा होता है कॉमर्स। देखिए अब दूसरा, ठीक ना, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा होता है आपका पॉलिटेक्निक, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में। तो देखिए, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। यह पोस्ट इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए काफ़ी है। जो छात्र छात्रा इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा पास करना होता है, यानी इंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा आप लोगों को। इसके बाद यह कोर्स 3 साल बाद आपको डिप्लोमा डिग्री दे देती है। देखिए, ये कोर्स प्राइवेट या सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज से करने पर आपका कम पैसा खर्च होगा, और वहीं पर आप अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य कर सकते हैं। यह था पॉलिटेक्निक का। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है आपका आईटीआई। देखिए क्या होता है कि इस कोर्स को करने में लगभग 2 साल लगता है। कितना साल? 2 साल लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा पास करना होगा, यानी इंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। डिग्री प्राप्त करके आप लोग बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल सकता है, या सरकारी कंपनी में भी जॉब मिल जाएगा, या सरकारी में रेलवे ड्राइवर एवं टेक्नीशियन पोस्ट जैसे कर सकते हैं। आपको जब ये आईटीआई कर लीजिएगा तो आप लोग रेलवे ड्राइवर या टेक्नीशियन जैसे कार्य कर सकते हैं। और आपका लास्ट हो जाता है, यानी कि चौथा नंबर आपका हो जाता है मेडिकल। अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो पारा मेडिकल का इंट्रेंस एग्जाम राज्य स्तर पर निकालना होगा, और आप सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 3 साल लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को मेडिकल डिग्री मिल जाती है, यानी पारा मेडिकल का। इसके लिए आप लोगों को इंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा, और उसके बाद आप लोग डेंटल में जा सकते हैं।